सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल योर वंशिता। तो आज थोड़ा सा गला मेरे को ठीक लग रहा है। कल रात को भी सोने के पहले मैंने गार्गल करके सोई थी। तो अभी आज है जैसे कि संडे, तो मेरे स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको पढ़ाना है। तो मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और मैं उनका वेट कर रही हूँ। जैसे आगे भी पढ़ाना स्टार्ट करना है और मेरे को भी एडिटिंग करना है, तो एडिटिंग करके कल का जो ब्लॉग है आज पोस्ट करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं। सो गाइज, मेरा पढ़ाना हो चुका है और इन दोनों को मैंने दे दिया छुट्टी, तो इनके पेरेंट्स आते ही होंगे और अब मैं जाऊंगी फ्रेश होने और ब्रेकफास्ट करने। सब कुछ करने के बाद फिर मिलेंगे आपसे हम। सो यहाँ पे बिनी जा रही है और टिकट कन्फर्म हो गया ना फ्लाइट? अच्छा, फ्लाइट का करवाई, इतना दिन से टिकट कन्फर्म नहीं हुआ इसका, फ्लाइट का ये करवाई है। तो ये अब जा रही है एंड आई विल मिस यू। मतलब आई नॉट मिस यू, आई विल मिस यू बिकॉज मैं इतना दिन से इसके साथ ही बाहर निकली, 10 दिन मैं पूरा दिन इसके साथ बाहर निकली हूँ। तो ये मुझे जा रही है, तो ख्याल रखना, ठीक से जाना, सबको बाय बोल दो, फिर जब आएगी तब ये मिलेगी हम लोग से। बाय 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 बाय, टेक केयर। हाँ, तुम आना जल्दी फिर से, एक साल मत लगा देना, हम आएंगे बट तुम। बाय बाय बाय, कॉल करना भी नहीं, बाय। ठीक से जाना, उतर जाना ठीक से। गाइज, मैं छत पे आ गई हूँ और मैं अभी नहा के तुरंत निकली, तो मम्मी ने बोला कि जाओ छत पे, जाओ जाके छत पे बैठो धूप में थोड़ा देर, कि ठंडा ना लग जाए। तो मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा वॉक भी कर लूँगी और थोड़ा धूप भी सेक लूँगी, तो चलती हूँ थोड़ा वॉक करने। तो यहाँ मम्मी आ गई, मेरे लिए चेयर लेकर आई है, कि मैं तो नीचे नहीं बैठ पाती ना खुद से अकेले, तो मैं चेयर पे बैठूंगी, अगर मैं थक गई तो मेरे को कुछ जरूरत पर हम बुला लेंगे। चाहिए बैठोगी? नहीं, इसी तरह बैठेंगे। अच्छा ठीक है, आराम से, आराम से बैठना। हाँ ठीक है, चलिए हम आ जाएंगे खुद से, ठीक है। तो चलते थोड़ा देर वॉक कर लेते हैं, बहुत अच्छा दम करा धूप है यार, तो वॉक कर लेते हैं। और मैंने बताया नहीं था आप लोगों को कि मेरे जो फिजियोथेरेपी अंकल है वो कुछ दिन तक नहीं आएंगे, काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, तो मेरे को ज़्यादा करके एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और जैसे कि संडे है तो पापा घर पे है, तो मैं सोच रही हूँ कि पापा के साथ थोड़ा देर बाद मैं ऐसे रोड पे निकलूंगी, बाहर जाऊंगी, वॉक कर लूंगी। तो फिलहाल खुद से जो एक्सरसाइज करना है वो कर लेते हैं। एक्सरसाइज करना हो गया और ना यहाँ पे ना शादी के लिए हैंडल बना है हमारे यहाँ पे ग्राउंड पे। तो यार ये पूरे एक साल ना मैं इतना शादी मिस की हूँ ना, शादी के खाने का अलग ही बात होता है, हम लोग खरीद के खा ले ना वो मतलब एक अलग होता है, हम लोग कहीं भी खा ले, पर शादी में जो खाना मिलता है ना उसका एक अलग ही बात होता है। जो भी है, मेरा कोई जान पहचान का है नहीं, मतलब मेरे को ज़रूर इन्विटेशन मिलता, तो मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं फिर जो भी है वो लोग शादी जल्दी करो यार, मेरे को बुलाओ खाने पे, मेरे को भी शादी में ऐसे जाना है खाने, शादी में नाचना है ऐसे, वो शादी वाला माहौल इन्जॉय करना है, तो जल्दी शादी करो यार, मिस कर रही शादी का खाना, तो मेरे खाने के लिए आप लोग शादी करो पहले। अच्छा तो गाइज, मैं छत से नीचे आ गई थी और मैं अभी तक वॉक करने बाहर नहीं गई। मैं आई नीचे तो देखा कि पापा सो रहे हैं, तो मैंने पापा को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि पापा को एक ही संडे मिलता है रेस्ट करने के लिए, और मैं अभी आके सो गई थी। तो पापा अभी उठे, पापा बोले कि चलो वॉक करके आते हम लोग, तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा भी कुछ खाने का मन करे, देखती हूँ कुछ खाने के लिए अगर है तो एक बिस्किट ही खा के फिर निकलते हैं। इस पापा नहीं जा रहे हैं, मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ। रेडियो का पर्स लेकर आई है, वो पैसा लेकर आई, दीदी से बोली कि मेरे को कुछ पैसा दो, कल तुम लोग जो खाई वो कट ली तो हम भी आज खाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा पसंद आ गया वो जॉब, रोज़ शाम को ही मंगवा रही, 3 दिन से तो खा ही रही है रोज़, और पापा मेरे साथ नहीं जा रहा। अच्छा लग रहा है,
अच्छा लग रहा है। तो पापा मेरे साथ नहीं जा रहे, पापा बोले कि जब मम्मी को खाना ही है तो मम्मी के साथ ही जाओ, वॉक भी कर लेना और वो खा के भी आ जाना तुम लोग। तो चलते हैं, मम्मी के साथ वॉक भी हो जाएगा और कटलेट भी खाने मिल जाएगा इस बहाने। मेरे भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया है लोगों को कि दोनों के दोनों खड़ी है तो बुतरो आराम से। बाय बाय, जाओ मैं बंद कर दूंगी, जाओ मैं बंद कर दूंगी। बुरे दिन शादी है मम्मी, तो यहीं पे शादी है। ओ शादी का पाए है ना। हाँ पंडाल बना। तो मैं मम्मी के साथ घर आ गई थी और फिर हम लोग खाया पिया और मैं तब से रेस्ट ही कर रही थी, कुछ ऐसे काम नहीं कर रही थी, घर पे थी और कहीं बाहर तो गई नहीं थी, तो कुछ वैसे शूट भी नहीं किया। तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।